What is up guys, welcome back to Electrical Unboxing. मैं नितिश बस्सी आज आपके लिए लाया हूँ Realme का लेटेस्ट लॉन्च्ड हेयर ड्रायर, जो कि काफी प्रीमियम रेंज का दोस्तों काफी एक्सपेंसिव हेयर ड्रायर है, तो काफी मजा आएगा अनबॉक्सिंग करने में क्योंकि इतना महंगा हेयर ड्रायर दोस्तों मोस्टली हमें नहीं दिखता, तो देखते हैं क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इतना महंगा अगर ये हेयर ड्रायर है तो डेफिनेटली कुछ खास होना चाहिए बीच में से, तो इसे करेंगे अनबॉक्स, रिव्यू, टेस्टिंग, सब कुछ होगा एंड मैं कोशिश करूंगा वो चीजें बताने की जो बाकी टेक रिव्यूज मिस कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये रहा हमारा रियलमी का हेयर ड्रायर, तो चलिए खोलते हैं। दोस्तों सारे फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, रियलमी की ब्रांडिंग हुई है और 5 मिनट ड्राई हो जाता है कह रहे हैं। उसके 1400 वॉट्स की पावरफुल मोटर है, सारे हम टेस्ट करेंगे फीचर्स। तो दोस्तों हमने छू लिया है 2000 रुपए के हेयर ड्रायर को, काफी प्रीमियम फीलिंग आ रही है दोस्तों, कैसे ना है 2000 रुपए का ये हेयर ड्रायर है और ये मिला है साथ में हमें कंसंट्रेटर, तो बॉयज भी यूज कर सकते हैं, यूजर मैनुअल, तो ये सब मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले दोस्तों बात लुक्स की कर ले, लुक्स बहुत अच्छी है पकड़ने में दोस्तों, काफी अच्छा है, मजा आ रहा है पकड़ने में, और उसके अलावा दोस्तों कलरिंग सब कुछ एकदम मस्त लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमें ब्रांडिंग देखने को मिल रही है सिल्वर कलर में, जो कि अच्छी लग रही है। उसके अलावा लुक्स दोस्तों देखिए पीछे से भी अच्छा है, आगे से भी अच्छा है। दोस्तों कोट की लेंथ काफी है और क्वालिटी भी काफी अच्छी है कोट की। उसके अलावा एक साथ में चीज मिलती है जो कि काफी सेटिस्फाइंग है। बाकी दोस्तों हीटिंग एलिमेंट्स दिख रहे हैं और ये कलरिंग जो हुई है दोस्तों ऊपर मेटल प्रोटेक्टर के ऊपर काफी अच्छा कलर है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी और पीछे भी हुआ है, तो काफी प्रीमियम लुक दे रहा है ये कलर डेफिनेटली। उसके अलावा यहाँ पे हमें स्पीड्स मिल रही हैं 1-2 सॉफ्ट और हार्ड स्पीड। उसके अलावा यहाँ पे कूल शॉट बटन है और इसमें एक अच्छी चीज है, इसे होल्ड नहीं करना पड़ता, सिर्फ प्रेस एंड कूल एंड प्रेस एंड हॉट, तो मतलब सिर्फ प्रेस स्विच सिस्टम है, होल्ड सिस्टम नहीं है। दोस्तों कॉन्सेंट्रेटर मिला है तो बॉयज भी इसे यूज कर सकते हैं, अपने हेयर एकदम मस्त सेट कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग हो गई, फीचर्स हो गए दोस्तों, अब बारी आती है हमारे रिव्यू की, ऑनेस्ट रिव्यू की, जिसमें हम देखेंगे इसकी अच्छाइयां बुराइयां। दोस्तों काफी कुछ अच्छा है, ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा है, डेफिनेटली पकड़ने में प्रीमियम फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों जो इसका मटेरियल है काफी प्रीमियम है, विमेन एंड मेन दोनों के लिए है। इस कंसंट्रेटर के साथ मेरे जैसे लड़के इसे यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि ये प्रीमियम रेंज का एक हेयर ड्रायर है 2000 रुपीज का, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कंपनी 2 नोजल दे देती, मतलब एक तो इस साइज का, उसके अलावा थोड़ा और थिन, अगर और थिन रहता तो दोस्तों और भी बढ़िया स्टाइलिंग कर सकते थे। स्पीड काफी है, आपको आवाज से ही आइडिया लग जाएगा। दोस्तों फ्लो काफी है, हवा काफी है, उसके अलावा क्योंकि पावरफुल मोटर है 1400 वॉट्स की, तो डेफिनेटली हवा काफी है। 5 मिनट्स ड्राई कह रही है कंपनी, तो हो भी सकता है उसमें कुछ ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं होगी जिस हिसाब की इसकी स्पीड है। उसके अलावा दोस्तों जो कि काफी पॉजिटिव चीज है, इसका कूल शॉट बटन, तो डेफिनेटली जो इस रेंज के ड्रायर्स होते हैं उसमें हमें कूल शॉट बटन मिलता है। नॉर्मली हमें हेयर ड्रायर की जो हवा होती है वो गर्म मिलती है, बट हम इसे ठंडा कर सकते हैं इस बटन के थ्रू, बट जितने भी मैंने अभी तक हेयर ड्रायर देखे हैं उसमें जो कूल शॉट बटन रहता है उसे दोस्तों होल्ड करना पड़ता है उतनी देर के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है, पुश बटन है, तो आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी देर कूल शॉट बटन मतलब ठंडी हवा का मजा ले सकते हो। बाकी दोस्तों 55 डिग्री सेल्सियस टॉप इसका टेम्परेचर है हेयर केयर के लिए, तो मोस्टली आपके हेयर डैमेज होने भी नहीं चाहिए, बट थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है बस। उसके अलावा दोस्तों बॉयज के लिए बात करूं, मोस्टली कूल शॉट बटन बॉयज के लिए होता है, जब सब कुछ हो जाता है गर्म हवा से हमारे हेयर मोल्ड हो जाते हैं, तो ठंडी हवा से हम सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों दिखने में लुक वाइज काफी प्रीमियम है, जैसे मैंने कहा फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। बाकी अगर आप इस हेयर ड्रायर को कंपेयर करना चाहोगे चोबा के हेयर ड्रायर्स के साथ जो कि चीप रहते हैं, तो दोस्तों कोई कंपैरिजन नाम की चीज नहीं है। जैसे मैंने कहा था दोस्तों हेयर ड्रायर्स की मार्केट में काफी सारे हेयर ड्रायर्स हैं, तो उसमें अगर कंपनी को कुछ अलग करना है तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज निकालनी पड़ेगी, तो यही कोशिश की है रियलमी ने। बाकी दोस्तों आने वाले टाइम में पता लगेगा मार्केट रिस्पॉन्स कैसा रहता है लोगों का, बाकी अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।